हेलो, आज की अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ और आप लोगों से बात करने वाला हूँ टिम फाइल बार फिस के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने हमेशा मेरे वीडियोस पे देखे होंगे कि मैं हमेशा फिस केयर के बारे में आप लोगों को वीडियो बताता रहता हूँ, बनाता रहता हूँ। हमेशा मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैं फिस की ब्रीडिंग के ऊपर वीडियोज़ नहीं बनाता या फिस की मेल फीमेल के ऊपर ब्रीडिंग नहीं बनाता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी इसकी पूरी जानकारी पूरे तरीके से प्रैक्टिकली रूप से आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं उसको आप लोगों को वीडियो भी नहीं बना के दिखा पाया हूँ। तो आप लोग वेट कीजिएगा, मैं जल्दी से आपको फिस ब्रीडिंग फॉर्म दिखाऊंगा और आप लोग अपना फॉर्म कैसे डाल सकते हैं, फिस की ब्रीडिंग कैसे होती है, मेल फीमेल कैसे फाइंड करते हैं, सभी फिसेस का ब्रीडिंग टाइम पे बताऊंगा। अभी मैं सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ, जैसे ठंड का टाइम तो चल ही रहा है तो जो फिसेस रखते हैं उसकी केयर कैसे करनी है। जैसे टिम फाइल बार सबसे ज़्यादा फिसेस पाली जाने वाली फिसेस होती है, तो उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ, सबसे ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने टिम फाइल बार में हीटर भी नहीं लगाया। तो आप लोग भी परेशान मत होइएगा कि हीटर लगाना पड़ेगा अगर आप टिम फाइल बार ही फिस रखे हुए हैं। और मेरे यहाँ का जो तापमान है पानी का वो 14 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए देखिए वीडियो को पूरे और बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, टिम फाइल बार का मेरा एक्वेरियम है, इसमें दो तरह की फिश के बारे में बता देता हूँ। सबसे मेन चीज़ जो फिशेस होती हैं टिम फाइल बार में, दो होती हैं, ज़्यादातर दो होती हैं जो ज़्यादातर पाली जाती हैं, मार्केट में मिलती हैं। वो होती है आपकी एल्विनो टिम फाइल बार, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी जो आँखें हैं वो एल्विनो हैं और इसका कलर भी सिल्वर नहीं है, पिंक के जैसा दिखता है हल्का हल्का। और एक ये होती है सिल्वर और रेड टेल टिम फाइल बार, इसकी जो पूँछें होती हैं वो लाल कलर की होती है। तो जैसे जैसे इसकी साइज बढ़ती है वैसे वैसे इसके पूँछों का कलर लाल होता जाता है, जो कि काफ़ी तेज़ और काफ़ी खूबसूरत होती है। ये ज़्यादातर हार्ड फिशेस के साथ सर्वाइव कर जाती है, पर यह है कि बड़ी साइज़ की ऑस्कर के साथ ये नहीं रहेगी, नॉर्मल छोटी फिशेस के साथ ही रहती है। ये एग्रेसिव फिश में नहीं होती है, ये मछलियों को अटैक नहीं करती इतना जल्दी। ये है कि बहुत छोटी फिश होती हैं, जैसे मॉली वगैरह हो गई या गोल्ड हो गई, रेड कैप वगैरह हो गई, सुभांकिन हो गई, उन फिशेस के ऊपर ये अटैक कर सकती है अगर इसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी हुई तब। लेकिन अगर ये छोटी भी होती है तो छोटी ऑस्कर हो गई आपकी, और या तो फ्लावर हॉर्न हो गई, बहुत छोटी साइज़ की जो बेबी फ्लावर हॉर्न्स होती हैं, फायर माउथ हो गया, ग्रीन टेरर हो गया, तो ये उनके साथ भी ज़्यादातर एडजस्ट कर लेती है। बस ये है कि बस बशर्ते हिडन प्लेस होने चाहिए। लेकिन फिर भी इस फिश का अगर आप अलग ग्रुप रखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत रखेगा। अगर आप इसका एक्वेरियम अलग से बनाते, कुछ अट्रैक्टिव एक्वेरियम बनाएंगे, तो आपको उसमें बेनिफिट ये होगा कि इन फिशेज़ का जो मेंटेनेंस होता है बहुत कम होता है। इसको नॉर्मल एयर की ज़रूरत होती है और फिल्ट्रेशन की, टैंक की साइज़ लेकिन बड़ी होनी चाहिए जिसमें इनको घूमने फिरने की जगह मिल पाए। ये मछलियाँ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं और इनको जितनी दौड़ने की जगह मिलेगी उतनी ही ज़्यादा ये बड़ी होंगी। और इनको फीडिंग आपको दिन में दो बार करवानी है। गोल्ड फिश से थोड़ा डिफरेंट फीडिंग होती है इनको। इनको एक बार में आपको करीब एक मछली को 3 से 4 दाने खिला सकते हैं। बहुत सारी मछलियाँ ऐसी हैं कि फीड भी नहीं करती हैं जब वो डिस्टर्ब होती हैं, कि शाम टाइम लाइट ऑन हो जाना और आवाज़ चलना, हल्ला होना, पर फिर भी ये फिश ऐसी होती है कि बहुत ही तेज़ होती है और सेंसिटिव थोड़ा सा होती है। मतलब कि सार्क जितना तो नहीं, एकदम इरिटेट नहीं करती कि मतलब पूरा एक्वेरियम ही आपका हिला दे या पूरे एक्वेरियम में चहल पहल कर दे। ये अगर डिस्टर्ब भी होती है तो बहुत ही आराम से थोड़ा सा धीरे धीरे मूवमेंट करती है अपना, और जब बहुत ही ज़्यादा खतरा महसूस होता है तो ही जंप करती है। नॉर्मली फिश बिना ढक्कन वाले एक्वेरियम में भी रह जाती है, मतलब कि अगर आपके एक्वेरियम में टॉप कवर नहीं लगा हुआ है तो भी इसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये उस एक्वेरियम में भी आसानी से रह लेगी, इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये फिश जब एक्वेरियम में सर्वाइव कर जाती है तो ये खाना बहुत प्यार से खाती है, बहुत तेज़ी के साथ खाना खाती है। इस फिश को आप पैरेट ग्रुप के साथ भी रख सकते हैं, और ज्वेल फिश होती हैं उनके साथ भी ये रह लेगी, बिल्कुल आराम से रहती है। अगर इस फिश की साइज़ छोटी है तो ये मॉली फिश के साथ भी आराम से रह लेगी। साथ साथ आप टाइगर शार्क होती हैं, डॉलर फिश होती है, टाइगर बार्ब होती है, प्लेटी होती हैं, कॉर्प होती हैं, मिल्की होती हैं, उनके साथ भी रह लेगी। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कर सकती है, गोल्ड फिश की प्रजाति चाहे कोई भी होगी, चाहे बबल आई हो, रेड कैप हो, सुभांकिन हो, ओरेंडा गोल्ड होगी, रेड कैप होगी, इनके साथ इसे कभी भी मत रखिए, क्योंकि उनकी छोटी रहेगी तो उनकी फिन काट लेगी और ये और ज़्यादा बड़ी साइज़ की रहेगी जैसे कि ये हैं, तो ये उनको खा भी सकती हैं, क्योंकि गोल्ड फिश थोड़ा शांत प्रजाति की होती है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको आप बाकी जैसे बड़ी साइज़ की ऑस्कर हो गया, चिचल फिश के साथ भी रख रहे हैं, चिकलेट फिश के साथ रख रहे हैं, जो भी आप बोलते होंगे उन्हें, जो काफ़ी तेज़ फिशेस होती है, जैसे कि ऑस्कर हो गई, फ्लावर हॉर्न हो गई, पैरेट हो गई, ग्रीन टेरर हो गई, तो जो इनकी साइज़ है टिम फाइल बार की, वो छोटी साइज़ की बिल्कुल भी उनके साथ मत रखिएगा। और ऑस्कर तो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ऑस्कर अगर आप इसके साथ बड़ी डाल देंगे तो ये तो उसे स्किल वगैरह उसके अटैक कर देगी और इनको चोट पहुंचा सकती है। आप इनको बड़े साइज के एग्रेसिव टर्टल जैसे सिंगापुरी टर्टल वगैरह होते हैं उनके साथ भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो भी इनकी फिन जो होती है, स्केल होती है, काफ़ी चमकीली होती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर दूसरी मछली, वो टर्टल्स हो गए, ऑस्कर हो गई, पैरेट हो गई, वो इनके ऊपर अटैक कर देती हैं।
क्योंकि बाकी मछलियों पे थोड़ा सा ज़्यादा चमकदार होती हैं। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि देसी मछली, लेकिन ऐसा नहीं है, देसी मछली नहीं, ये फैंसी मछली है, एक्वेरियम में पालने वाली मछलियाँ होती हैं और ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही सृष्टि, बहुत ही प्यारी फिशेस होती है। इसका आपको एक सेटअप करना होगा अपने एक्वेरियम का, जिसमें से ये देखने में काफ़ी शानदार लगेगी, काफ़ी खूबसूरत लगेगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस टैंक में ये एक ग्रुप में चलती हैं और झुंड में ही खाना खाती हैं और बहुत खेलती हैं। इसकी जो बीमारी होती है, फंगस वगैरह लग जाते हैं, उसका कारण होता है पानी का जो गंदगी होती है, पानी में आप सही तरीके का पानी यूज़ नहीं कर पाते हैं, तभी वैसे नॉर्मली सभी पानी में सर्वाइव कर जाती है। इसके लिए जो पानी होता है वो आप डायरेक्ट पानी में एंटी क्लोरिन डाल के भी इस फिश को रख सकते हैं। ये मछलियों की खासियत और होती है पानी को ज़्यादा गंदा नहीं करती हैं, लेकिन ये है कि इसके आपको रखने के लिए एलगी वाली फिशेस भी डाल सकते हैं, जैसे कि रेडटेल शार्क हो गई, सकर कैट हो गई, वो भी आप इसके साथ में रख सकते हैं, इसे दिक्कत नहीं होगी। इसको फीडिंग करने के लिए आप दिन में 2 से 3 बार फीडिंग करवा सकते हैं। इसे ओवर फीडिंग से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लगभग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे आप डॉटेड गुरामी, 3 स्पॉटेड गुरामी के साथ भी रख सकते हैं, उसके साथ भी काफ़ी अच्छे से रहेगी, सेवरम फिश के साथ भी अच्छे से ही रहती है। इसको ज़्यादातर जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, आप इसका केयर नहीं कर पाते, तो इसे फंगस लगने का खतरा होता है, जो इसके फिन होते हैं वाइट होने लगते हैं, तो ये ठीक भी बहुत तेज़ी के साथ हो जाती है। अगर आप इसे टाइम पर हीटर दे दें और एंटीज डाल दें और एक आध दिन के लिए खाना नहीं देंगे, तो ये अपने आप को रिकवर भी बहुत तेज़ी के साथ कर लेती है, एक्टिव अच्छी होती है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करो, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।